अच्छा एक चीज तो ध्यान रखेंगे कि ना, जैसे मेरे पास ना काफी बच्चों ने फोन किया है, वही 12th का जो नया बैच स्टार्ट हो रहा है। मैंने तुम्हें एक चीज बता दी ना, देखो ऐसा ना हो कि तुम 12th का बैच अभी से ज्वाइन कर लो, 11th 11th में गड़बड़ हो जाए कुछ। तो ये वाला चैप्टर बस कुछ बच्चे हैं, ये महीने का चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है बहुत। ये तो बात पक्की है बिल्कुल कि चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, अभी कर लोगे तो फायदा मिलेगा इसका। लेकिन ना जबरदस्ती करोगे तो गड़बड़ भी हो सकती है, क्योंकि चैप्टर मैं कराऊंगा बाद में लास्ट में होगा ऐसे ही, तो थोड़ा एडवांटेज तो मिलेगा जो बच्चे अभी कर लेंगे। लेकिन ऐसा मत करो कि तुम्हारा 11th गड़बड़ हो जाए इस चैप्टर के चक्कर में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के चक्कर में। तो इसलिए इसको अगर तुम्हें फिर भी करना है तो मैंने एस ब्लॉक पी ब्लॉक ये मेरे को सुना दो, दो चैप्टर, और साथ में 6th का टेस्ट, 6th का जो टेस्ट होना तुम्हारा, तो तुम ज्वाइन कर लो अभी से 12th क्लास। लेकिन ये काम तो करके दो कम से कम कि हाँ कुछ कुछ तो है कि तुमने किया 11th। अच्छा सबने पढ़ रखा ना चैप्टर एस ब्लॉक, एक बार हैंड सेस करेंगे जिसने पढ़ लिया पीछे का, जल्दी से हैंड सेस करेंगे जिसने पढ़ लिया चैप्टर, जिसने खत्म कर लिया पूरा। बस मैं आज नाइट में पी ब्लॉक भेजना स्टार्ट कर दूंगा 11th वाला। आदित्य, शिखा, छवि, निशि, नवीन, अनुष्का, निवृत्ति, हिमांग, अंशिता, कनिष्क, बॉबी, गर्व, वेदांत, देवांशी, क्षितिज, युविका, मयंक, विंध्या, कशिश, निहारिका, अर्णव, चैप्टर पढ़ लिया ना ये सबने? चलो अब नोट करना आगे। अब देखो अब मैं एक बार हल्का सा पीछे का बता रहा हूँ तुम्हें कि हम लोगों ने क्या क्या कर लिया। देखो एस ब्लॉक है, तुम्हें डेली ऐसे ही मन में बोलना है जो एस ब्लॉक में हमने कर लिया पीछे। आज मेरे को मेनली क्या लेना है, केमिकल प्रॉपर्टीज जो हमने पीछे का कर लिया। हमने क्या किया फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर, फिजिकल पहले मैंने तुम्हें इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन बताई दोनों की, किसकी, एल्कली मेटल्स की और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की। फिर उसमें बताया एल्कली मेटल्स क्यों कहते हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इनकी ऑक्साइड्स अर्थ में मिलती हैं। ये सब मैं बता चुका हूँ तुम्हें। फिर इसमें एटॉमिक रेडियस भी बताया मैंने तुम्हें, एटॉमिक रेडियस के बाद इसमें क्या डिफरेंसेस थे वो बताए मैंने ग्रुप वन और ग्रुप टू के अंदर। फिर मैंने इसमें आयनिक रेडियस बताया, फिर मैंने बताया हाइड्रेटेड रेडियस। हाइड्रेटेड रेडियस बताने के बाद इसमें थोड़ा बहुत मेटेलिक करेक्टर बताया, मेटेलिक करेक्टर में फिर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब बता दिया था। आयन एनर्जी बता दिया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बता दिया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नीचे आने पर डिक्रीज करेगी वो हो गया, और इसके अलावा हाइड्रेटेड रेडिया में डिटेल पूरी ले ली हमने, और इसके अलावा क्या लिया था, हाँ मेल्टिंग पॉइंट ले लिया, बॉइलिंग पॉइंट ले लिया, और स्पेशली जो सेकंड ग्रुप था, सेकंड ग्रुप था उसके अंदर मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर, वो पेपर में पूछा हुआ है मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर, और डेंसिटी में वेरिएशन जो था, जैसे कैल्शियम की डेंसिटी लीस्ट है ग्रुप टू में, सही ना, और ग्रुप वन में पोटेशियम और सोडियम में एक्सेप्शन था, क्यों एक्सेप्शन था उसके रीजन ले लिया मैंने। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज में मैंने इतना ले लिया था। नेक्स्ट आगे हमें जो करना था इसके अंदर, फिर मैंने इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किया था कल, रिड्यूसिंग एजेंट क्यों स्ट्रॉन्ग है लिथियम, ग्रुप उसके आनेशन जी सबसे ज्यादा है, देन ऑल्सो इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इन द होल पीरियोडिक टेबल इनफैक्ट, और अपने ग्रुप में सीजियम को होना चाहिए लार्जेस्ट एटम है, आनेशन जी लोएस्ट है, तो सीजियम शुड बी मोस्ट रिड्यूसिंग अमंग अल्कली मेटल, लेकिन है कौन सा लिथियम। लेकिन रिएक्शन तब भी इसकी स्लो है, रिएक्शन तब भी इसकी स्लो है, पानी के साथ रिएक्शन जो है तब भी स्लो है इसकी। तो अब मेरे को मैं जो बताऊंगा आगे इसमें, अब हमें लेना है इसके अंदर फ्लेम कलरेशन, फ्लेम कलरेशन, फ्लेम कलरेशन। देखो अल्कली मेटल्स सिल्वरी व्हाइट कलर के होते हैं, लेकिन जब इसको फ्लेम में हीट करते हैं, जब इसको हम फ्लेम में हीट करते हैं तो कलर इनका आता है, डिफरेंट कलर्स आते हैं, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ये है ना, मैंने कलर बता रखा इसका CYPVB, क्रिम्सन, ये क्रिम्सन यानी डीप रेड होता है, येलो ये गोल्डन येलो है, पेल वायलेट, फिर वायलेट है, ब्लू, ये कलर तुम्हें रेड होने चाहिए बिल्कुल। अल्कली मेटल्स को जब हम बंसन बर्नर में फ्यूल लेते हैं ऑक्टेन, क्योंकि हमें ज्यादा हीट चाहिए होती है लैब के अंदर, इसलिए हम ऑक्टेन को फ्यूल लेते हैं, हम घरों में यूज करते हैं एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसके अंदर आइसोब्यूटेन होता है,
तो हमें ज्यादा हीट ऑफ कम्बशन चाहिए होता है लैब में, इसलिए हम ऑक्टेन एस फ्यूल लेते हैं। और जैसे ही हम उस फ्यूल के जो बंसन बर्नर में हीट करेंगे एल्कली मेटल्स को, तो ये डिफरेंट कलर्स इम्पार्ट करते हैं। लिथियम का क्रिम्सन है, CYPVB, वर्ड याद कर लेना, CYPVB करके, तो ये तुम्हें याद होना चाहिए। और इसके अंदर जब हम हीट करेंगे तो ये डिफरेंट कलर्स आएंगे। और सोडियम का स्पेशली याद रखना, गोल्डन येलो बहुत बार यूज होगा। गोल्डन येलो बोलते ही यानी सोडियम का कंपाउंड है, स्पेशली वो NaOH ही होगा, सही ना, NaOH। तो ये सोडियम का गोल्डन येलो है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही बेरिलियम वाले ग्रुप में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम। अब इसमें बेरिलियम मैग्नीशियम दे डू नॉट इम्पार्ट कलर टू द फ्लेम, ये मैंने तुम्हें बता रखा है कि जैसे ही हम अल्कली मेटल्स को हीट करते हैं, जो इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो हायर एनर्जी लेवल पे जाते हैं, वहां पे उनकी लाइफ कम है, ये ग्राउंड स्टेट पे आते हैं अपनी इम्पार्टिंग कम्प्लीमेंट्री कलर, गिविंग कम्प्लीमेंट्री कलर टू द फ्लेम। कम्प्लीमेंट्री कलर का जरूर केस याद रखना, क्योंकि उसके क्वेश्चन IIT में भी आए हुए हैं। जैसे बोला कि कॉपर सल्फेट जो है कौन सा कलर एब्जॉर्ब करता है, क्या आंसर आएगा इसका, कॉपर सल्फेट कौन सा कलर एब्जॉर्ब करता है, क्या आंसर दोगे इसका? देखो अब यही है ना कि कॉपर सल्फेट रिफ्लेक्ट करता है ब्लू कलर जो हमें दिखता है ना, रिफ्लेक्ट करता है ब्लू कलर, लेकिन एब्जॉर्ब क्या करता है, वो उसके कॉम्प्लीमेंट्री होता है। मैंने एक मैं हल्का सा हिंट दोबारा देता हूँ इधर, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में डिटेल में होगा थोड़ा सा। जैसे ये है ना, तो कौन सा कलर ये एब्जॉर्ब, ये वर्ड याद रखो, विबग्योर होता है ना, आई हटा देना उसको, बस आई को भी लगा के कर सकते हैं, थोड़ा सा और ऐड करना पड़ेगा उसमें। तो ब्लू कलर अगर तुम्हें रिफ्लेक्ट हो रहा है या एब्जॉर्ब हो रहा है, तो ऑरेंज इसका मतलब एब्जॉर्ब हुआ होगा, ऑरेंज एब्जॉर्ब हुआ होगा, ब्लू रिफ्लेक्ट होगा, या ब्लू एब्जॉर्ब हुआ तो ऑरेंज रिफ्लेक्ट होगा। ऐसे ही वायलेट अगर तुम्हें दिख रहा है तो उसने एब्जॉर्ब किया होगा येलो, समझ गए कि नहीं? ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स हैं, VBGY, और इतना तो याद ही कर लेना एटलीस्ट कि कुछ तो तुम्हें पता है इसके बारे में, सही ना। तो बेरिलियम मैग्नीशियम डू नॉट इम्पार्ट कलर टू द फ्लेम बिकॉज देयर आयन एनर्जी इज वेरी हाई, दे डू नॉट रिलीज इलेक्ट्रॉन, दे डू नॉट रिलीज इलेक्ट्रॉन्स ऑन एक्सपोजर टू हीट, इसलिए दे डू नॉट इम्पार्ट कलर टू द फ्लेम। ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर के अंदर। पहले तो फ्लेम कलरेशन का रीजन क्या है, जैसे ही हम अल्कली मेटल से अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को हीट करते हैं, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हायर एनर्जी लेवल पे जाते हैं, वहां पे लाइफ कम है एक्साइटेड स्टेट में, तो ग्राउंड स्टेट में आ जाते हैं ये, और रिफ्लेक्टिंग कॉम्प्लीमेंट्री कलर, कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमें दिखेगा। और इसमें कैल्शियम वाले का, कैल्शियम RCGC से याद कर लेना कलर, कैल्शियम का स्पेशल वर्ड यूज करते हैं ब्रिक रेड, रेड है ये, ब्रिक रेड यूज करते हैं कैल्शियम के लिए, ब्रिक रेड। और बेरियम के लिए स्पेशल वर्ड यूज करते हैं एप्पल ग्रीन, ये दो केस याद रखना जरूर, कैल्शियम के लिए ब्रिक रेड, बेरियम के लिए एप्पल ग्रीन, ज्यादा इंपॉर्टेंट सोडियम का गोल्डन येलो, ये याद रखना, सही ना। तो दोनों क्वेश्चन मैंने इसके बता दिए फ्लेम कलरेशन के, एक तो फ्लेम कलरेशन का रीजन क्या है, और दूसरा बेरिलियम मैग्नीशियम व्हाई दे डू नॉट इम्पार्ट कलर टू द फ्लेम। तो फ्लेम कलरेशन जरूर कर लेंगे, मैंने तुम्हें डिटेल दे रखी है इसकी, लेक्चर्स में होगा थोड़ा और एक्स्ट्रा बताया होगा मैंने इसके अंदर, कि जैसे ही हम बंसन बर्नर के अंदर हीट करते हैं, जैसे ही हम वॉल्व ओपन करेंगे, प्रेशर के साथ फ्यूल बाहर निकलेगा, ऑक्टेन जो फ्यूल है वो तेजी से बाहर निकलेगा और आसपास की ऑक्सीजन को हटा देगा, आसपास की ऑक्सीजन को हटा देगा, इसलिए फ्लेम जो जलती है वो थोड़ा सा ऊपर से हटके जलेगी, बिल्कुल एग्जैक्टली वहां नहीं जलेगी, थोड़ा सा ऊपर से हटके जलेगी, क्योंकि आसपास ऑक्सीजन नहीं होगी। और एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पे फ्यूल टू ऑक्सीजन रेशियो जो है वो ऑप्टिमम होगा, तो वहां पे मैक्सिमम हीट होगी, और वो सेकेंड रीजन होता है जनरली, वो जनरली क्या होता है, सेकेंड रीजन, वो जनरली क्या होगा, सेकेंड रीजन ये है, सही ना। तो यहाँ पे इसमें ये जैसे फर्स्ट रीजन, ये सेकंड रीजन, इस पॉइंट पे फ्यूल टू ऑक्सीजन रेशियो वो ऑप्टिमम होता है, जो क्वांटिटी चाहिए होती है। ऊपर क्या होगा, ऊपर क्या होगा, ऑक्सीजन ज्यादा फ्यूल कम, बीच में यहाँ क्या होगा, फ्यूल ज्यादा ऑक्सीजन कम, तो इसलिए इस पॉइंट पे ऑप्टिमम फ्यूल टू ऑक्सीजन रेशियो है, ऑप्टिमम फ्यूल टू ऑक्सीजन रेशियो है, इसलिए क्या होगा, यहाँ पे मैक्सिमम हीट प्रोड्यूस होगी, रीजन सेकंड होता है, सही ना। तो ये चीज ध्यान रखनी है इसके अंदर। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है 2014 या 15 के पेपर में आया हुआ IIT मेंस में, कौन सा रीजन सबसे हॉटेस्ट रीजन माना जाता है, तो ये चीज ध्यान रखना इसके अंदर। ये बता दिया है, लेकिन दो क्वेश्चन स्कूल के लिए इंपॉर्टेंट है फ्लेम कलरेशन में। पहला क्वेश्चन बता दिया मैंने फ्लेम कलरेशन का रीजन क्या है, दूसरा बेरिलियम मैग्नीशियम डू नॉट इम्पार्ट कलर टू द फ्लेम। तो दोनों क्वेश्चन कर लेंगे, नेक्स्ट नोट करना इसमें आगे, मैं बीच बीच में पूछता रहूंगा, याद करते रहना साथ साथ। फ्लेम कलरेशन के बाद आता है इसके अंदर एनामलस बिहेवियर, क्लियर, एनामलस बिहेवियर और एक डायगोनल रिलेशनशिप, दोनों टर्म्स इंपॉर्टेंट है। एनामलस बिहेवियर मींस एक्सेप्शनल बिहेवियर, सबने पढ़ा होगा, एनामलस बिहेवियर मींस एक्सेप्शनल बिहेवियर।
जो पहला एलिमेंट होता है हर एक ग्रुप का, लिथियम सोडियम पोटेशियम रूबीडियम सीजियम फ्रेंशियम, पहला एलिमेंट जो है वो डिफरेंटली बिहेव करेगा देन रेस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ इट्स फैमिली। ऐसे ही दूसरे ग्रुप में बेरिलियम जो है वो डिफरेंटली, हर एक ग्रुप की बात कर रहा हूँ मैं, ये बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम बेरियम, कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम बेरियम रेडियम। तो यहाँ पे बेरिलियम जो है डिफरेंटली बिहेव करेगा, क्लियर। यहाँ पे बेरिलियम जो है वो डिफरेंटली बिहेव करेगा देन रेस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ इट्स फैमिली। लिथियम यहाँ पे डिफरेंटली बिहेव करेगा, इधर बेरिलियम, सही ना। और अगले बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम कार्बन सिलिकन जर्मेनियम टिन और लेड। ये डायगोनल रिलेशनशिप में क्या है और एनोमलस बिहेवियर में क्या है। फर्स्ट ग्रुप जो है ऑफ एवरी फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एवरी ग्रुप बिहेव्स डिफरेंटली देन रेस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ इट्स फैमिली देन रेस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ इट्स फैमिली, दिस इज एनोमलस बिहेवियर। और फर्स्ट एलिमेंट ऑफ मैक्सिमम ग्रुप्स इज डायगोनली रिलेटेड टू द सेकंड एलिमेंट ऑफ द नेक्स्ट ग्रुप। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ मैक्सिमम ग्रुप्स इज डायगोनली रिलेटेड टू द सेकंड एलिमेंट ऑफ द नेक्स्ट ग्रुप। ये तीन के लिए है, इन तीन में ही ट्रू है डायगोनल रिलेशनशिप, आगे नहीं होती क्योंकि प्रॉपर्टीज मैच नहीं करती है, रीजन जो है वो वैलिड नहीं होते आगे जाकर, इसीलिए डायगोनल रिलेशनशिप ऑब्जर्व नहीं होगा, क्लियर। डायगोनल रिलेशनशिप ऑब्जर्व नहीं होगा। तो पहला तो है एनोमलस बिहेवियर का रीजन क्या है, लिथियम बिहेव्स डिफरेंटली, बेरिलियम बिहेव्स डिफरेंटली, बोरोन बिहेव डिफरेंटली, वो सब आगे की बातें हैं, मेरे को दो ग्रुप का बताना है अभी। तो लिथियम क्यों बिहेव डिफरेंटली बिहेव करता है, पहला रीजन तो सबको दिख ही रहा है, स्मॉल साइज हायर इफेक्टिव न्यूक्लियर, हायर जेड इफेक्टिव एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एब्सेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल्स। ये तीन रीजन है इसके, एब्सेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल्स। तो ये तीन रीजन ध्यान रखना इसके अंदर, एनोमलस बिहेवियर के तीन रीजन है मेनली, स्मॉल साइज हायर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मोस्ट इंपॉर्टेंट एब्सेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल। एनोमलस बिहेवियर क्या होता है और उसके रीजन क्या है ये पता होना चाहिए। ऐसे ही डायगोनल रिलेशनशिप, लिथियम जो है मैग्नीशियम की तरह सिमिलर प्रॉपर्टीज क्यों शो करता है, ज्यादातर प्रॉपर्टीज इन दोनों की सिमिलर है, बेरिलियम एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टीज ज्यादातर सिमिलर है, बोरोन सिलिकॉन की प्रॉपर्टीज ज्यादातर सिमिलर है। जैसे लिथियम कोवलेंट कंपाउंड बना रहा है, मैग्नीशियम कोवलेंट कंपाउंड बना रहा है, बेरिलियम के ऊपर ऑक्साइड लेयर होती है प्रोटेक्टिव, एल्यूमिनियम के ऊपर होती है, मेन रीजन जो है बेरिलियम का कंपाउंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो एल्यूमिनियम के भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, बहुत सारे और कारण भी है। ये ऐसा क्यों हो रहा है कि प्रॉपर्टी सिमिलर क्यों आ रही है, सही ना। तो उसके लिए पहला पॉइंट क्या है, सिमिलैरिटी इन द साइज ऑफ आयंस, सिमिलैरिटी इन द साइज ऑफ आयंस, आयंस साइज सिमिलर, पहला पॉइंट सही है, आयंस साइज सिमिलर फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, पहला आयंस साइज सिमिलर, दूसरा आयनिक पोटेंशियल सेम, यानी सिमिलैरिटी इन पोलराइजिंग पावर, इनकी पोलराइजिंग पावर, ये तो हमने पढ़ रखा है केमिकल बॉन्डिंग के अंदर। जो कैटायन होता है वो एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, ये मान लो एनायन है, इसको नेगेटिव से शो कर रहा हूँ, हालांकि न्यूक्लियस इसका भी पॉजिटिव होगा, ये न्यूक्लियस ये एनायन को अपनी तरफ, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा, ये पोलराइजिंग पावर, टेंडेंसी टू डिस्टॉर्ट द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एन एनायन, दिस इज पोलराइजिंग पावर। दोनों की पोलराइजिंग पावर सेम है, दोनों की क्या बोला मैंने, सिमिलैरिटी इन साइज ऑफ देयर आयंस, सिमिलैरिटी इन देयर पोलराइजिंग पावर और आयनिक पोटेंशियल, और आयनिक पोटेंशियल भी कहते हैं इसको। और तीसरा सिमिलैरिटी इन देयर इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर, सही ना, इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर सेम है। तो ये रीजन किसके हैं, डायगोनल रिलेशनशिप के। व्हाट इज डायगोनल रिलेशनशिप, व्हाट इज डायगोनल रिलेशनशिप एंड व्हाट इज इट्स कॉज, क्या कॉज है इसका, तो मैंने कॉज बता दिया इसका, और डायगोनल रिलेशनशिप क्या है ये बता दिया मैंने तुम्हें। दोनों क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर के अंदर, सही ना, दोनों क्वेश्चन आ सकते हैं। अब मैं एनोमलस बिहेवियर लिथियम क्या शो करता है मैं वो बता रहा हूँ तुम्हें, एनोमलस बिहेवियर ऑफ लिथियम, क्लियर, एनोमलस बिहेवियर ऑफ लिथियम, सही ना, एनोमलस बिहेवियर ऑफ लिथियम। एनोमलस बिहेवियर ऑफ लिथियम ये क्या होता है, देखो लिथियम जो है, और सेम रिलेट कर दूंगा मैं आगे कि लिथियम और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी सिमिलर क्यों है, उन दोनों को बना दूंगा। लिथियम जो है सबसे हार्ड होता है, लिथियम सबसे हार्ड है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इसका बहुत ज्यादा है, बहुत हार्ड है, हाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट
लिथियम के कंपाउंड्स, ये याद करना साथ साथ तुम्हें बिल्कुल, तो लिथियम के कंपाउंड कोवेलेंट होते हैं, हार्ड होता है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई है, लिथियम अकेला है जिसका क्लोराइड जो है हाइड्रेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये इंटरस्टीशियल वाटर आता है इसके अंदर, इंटरस्टीशियल वाटर जो कि इंटरस्टीशियस में फिक्स हो जाता है, LiCl.2H2 इंटरस्टीशियल वाटर। लिथियम जो है इसका कार्बोनेट अनस्टेबल है, ये हीट करने पर टूट जाता है, बाकी किसी का कार्बोनेट टूटता नहीं, Li2O प्लस CO2 मिल जाता है। लिथियम का ही नाइट्राइड एग्जिस्ट करता है, Li3N ये एग्जिस्ट करता है, बाकी किसी का नाइट्राइड एग्जिस्ट नहीं करता। लिथियम का नाइट्रेट भी टूट जाता है, लिथियम नाइट्रेट ये भी टूट जाता है Li2O में, क्योंकि स्टेबल नहीं है, लिथियम इतना बड़ा नहीं है कि नाइट्रेट आयन जो कि बड़ा है उसको संभाल पाए, Li2O प्लस NO2 मिल जाता है, Li2O प्लस NO2 प्लस हाफ O2 मिल जाता है, प्लस हाफ O2 ये मिल जाता है। और इसके अलावा लिथियम का जो बाइकार्बोनेट है वो एक्वस फॉर्म में मिल जाता है, ठीक है ना, ये एक्वस फॉर्म में मिलता है, बाकी सबके सॉलिड फॉर्म में मिल सकते हैं, इसका एक्वस फॉर्म होता है, लिथियम बाइकार्बोनेट कैन एग्जिस्ट इन एक्वस फॉर्म, ये एक्वस फॉर्म में मिल सकता है, सॉलिड फॉर्म में नहीं मिलेगा, ये बाकी सबके सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं, तो ये आ जाएगा इसमें। इसके अलावा लिथियम का, लिथियम जो है जैसे इथाइन के साथ सोडियम जो है वो इथाइनाइड बना देता है, सोडियम इथाइनाइड -Na+, ठीक है ना, लिथियम नहीं बनाता, लिथियम इथाइनाइड्स नहीं बनाता इसके अंदर, ठीक है ना, लिथियम इथाइनाइड बनाता है लेकिन सिर्फ कार्बन के साथ, Li2C2 बनता है, Li2C2 ये भी Na2C2 है, ये कार्बन के साथ वैसे नहीं बनाता, एसिटिलीन के साथ, कार्बन के साथ बना देता है इथाइनाइड लिथियम। फिर सोडियम जो है जैसे लिथियम रिएक्ट करता है ना गैशियस अमोनिया के साथ, गैशियस अमोनिया या एक्वस अमोनिया कहते हैं, इसके तरह करके Li2NH बनाता है, इमाइड बनाता है, इमाइड। लेकिन सोडियम जो है ये रिएक्ट करता है जब गैशियस अमोनिया के साथ, गैशियस की बात कर रहा हूँ क्योंकि लिक्विड अमोनिया में रिएक्शन डिफरेंट होती है, इससे रिएक्ट करके क्या बनाता है NaNH2+ +2 ये मिलता है। तो इस तरह से ना बहुत सारी प्रॉपर्टीज डिफरेंट आती है, मैंने काफी चीज यहाँ पे तो बता दिया, बाकी तुम्हें करना ही पड़ेगा एक बार, फिर मैंने 9 बता दिया, स्कूल में अगर आता है पता तो तुम्हें सारा होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव में तो कैसे भी आ सकता है, सही ना, ऑब्जेक्टिव में तो किसी भी फॉर्म में आ सकता है, मैंने तो तुम्हें काफी बता दिया फिर, सही ना। तो LiNO3, अच्छा एक चीज यहाँ पे, LiNO3 ऐसे टूट रहा है ना, बाकी जितने भी अल्कली मेटल्स हैं वो ऐसे नहीं टूटेंगे, जैसे मैंने अगर एग्जाम्पल ले लिया NaNO3 या KNO3, वो NaNO2+ O2 देगा, नाइट्राइड इसका +O2, ये ऐसे टूटेगा, समझ गए कि नहीं है। तो ये एनोमलस बिहेवियर, ये क्या है, एनोमलस बिहेवियर यानी एक्सेप्शनल बिहेवियर ऑफ लिथियम, ठीक है ना, एक्सेप्शनल बिहेवियर ऑफ लिथियम। और इसके अलावा अब आ जाएगा इसके अंदर, और एक हाँ LiF और Li2, ये बहुत कम सॉल्यूबल होते हैं पानी के अंदर, लैटिस एनर्जी इनकी बहुत हाई होती है, पानी के अंदर बहुत कम सॉल्यूबल है, लैटिस एनर्जी हाई है इस वजह से, बाकी अल्कली मेटल्स के सॉल्यूबल होते हैं, ठीक ठाक सॉल्यूबल होते हैं, इसके ये कम सॉल्यूबल होते हैं। अच्छा अब ये आ गया इसमें, इसके अलावा अब डायगोनल रिलेशनशिप जो है इसकी, इसी की लिथियम की डायगोनल रिलेशनशिप विद मैग्नीशियम, तो पहला पॉइंट वही कि लिथियम के कंपाउंड्स और मैग्नीशियम के कंपाउंड, दोनों के कंपाउंड्स क्या को देखो, डायगोनल रिलेशनशिप क्यों है दोनों के अंदर, क्योंकि लिथियम प्लस और मैग्नीशियम 2+ का साइज सिमिलर, ये मैंने तुम्हें हिंट दिया भी था कि लिथियम प्लस का साइज होता है 76 पिकोमीटर, लिथियम का 151 था और इसका कितना हो गया 76, और मैग्नीशियम 2+ का होता है 72 पिकोमीटर, तो साइज लगभग सिमिलर है इनके, ठीक है, साइज क्या लगभग सिमिलर, वैसे दोनों में डिफरेंस क्या है, लिथियम का साइज क्या है 151 पिकोमीटर और मैग्नीशियम का होता है 160 पिकोमीटर, ये बड़ा होता है मैग्नीशियम लिथियम से, वो तो होगा ही शेल ज्यादा है, लेकिन जब इस पे +2 चार्ज आ जाएगा मैग्नीशियम पे तो साइज छोटा हो गया, हालांकि दोनों में कंपैरिजन कम है, मतलब कि दोनों कंपेरेबल है साइज, तो ये है, और सिमिलैरिटी इन देयर आयनिक पोटेंशियल और पोलराइजिंग पावर, और तीसरा मतलब आयनिक पोटेंशियल मीन्स चार्ज टू साइज रेशियो, चार्ज टू रेडियस रेशियो या चार्ज टू साइज रेशियो दोनों का सेम है, और तीसरा सिमिलैरिटी इन देयर इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर, सिमिलैरिटी इन देयर इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर। अच्छा इसके बाद ये आ गया, अब इसकी प्रॉपर्टीज, इनकी प्रॉपर्टीज में लिथियम और मैग्नीशियम दोनों के दोनों बहुत हार्ड होते हैं, दोनों के दोनों हार्ड,
फोर्थ वेरी हार्ड, दूसरा लिथियम और मैग्नीशियम में और क्या सिमिलरिटीज आ सकती हैं कि अब उसी को देख के ना, पीछे जो मैंने प्रॉपर्टीज दिखी हैं उसी को देख के बन जाएगा। और हार्ड लिखा था मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट दोनों का हाई होगा ही, हार्ड है तो। फिर मैंने दूसरा तीसरा पॉइंट मैंने लिखा था उसमें, थर्ड पॉइंट लिखा था हाँ हाइड्रेटेड फॉर्म में, LiCl डॉट टू एच टू होता है, MgCl2 भी डॉट 8H2O 6H2O ऐसे एग्जिस्ट करता है, ऐसे एग्जिस्ट कर जाता है। दोनों के हाइड्रेटेड सॉल्ट एग्जिस्ट करती हैं, दोनों के अंदर इंटरस्टीशियल वाटर होता है, दोनों की हाइड्रेटेड सॉल्ट एग्जिस्ट करती हैं। LiCl भी यानी हाइग्रोस्कोपिक है, MgCl2 भी हाइग्रोस्कोपिक है, दोनों के दोनों क्या है हाइग्रोस्कोपिक, दोनों के दोनों हाइग्रोस्कोपिक है, दोनों के दोनों कोवेलेंट हैं LiCl और MgCl2, इसलिए सॉल्युबल कहाँ होंगे इथेनॉल के अंदर, सॉल्युबल इन इथेनॉल, कोवेलेंट है तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल, सॉल्युबल इन इथेनॉल, सॉल्युबल इन इथेनॉल। ये आ जाएगा इसके अंदर। और इसके अलावा दोनों के नाइट्राइड्स जो पॉइंट्स उधर लिखे हैं ना उन्हीं से रिलेट कराना, Li3N एग्जिस्ट करता है तो Mg3N2 एग्जिस्ट करता है, Li3N एग्जिस्ट करता है तो Mg3N2 एग्जिस्ट करता है। और इसके अलावा पॉइंट्स आ जाएंगे दोनों के, वही सारे पॉइंट्स लिखने हैं, LiNO3 भी Li2CO3 टूट करके CO2 गैस देता है, Li2O + CO2 तो MgCO3 भी टूट करके क्या देता है MgO + CO2, MgO + CO2 देता है, समझे कि नहीं है। तो ये सारे पॉइंट्स वैसे ही चलेंगे जो उसके पॉइंट्स थे ना उन्हीं से रिलेट करा सकते तुम, उन्हीं से रिलेट करा सकते उसमें। और इसके अलावा इसी तरह से पॉइंट्स बना सकते तुम, है ना, इसी तरह से पॉइंट्स बना सकते। तो ये मैंने पांच यहाँ पे बता दिया, और भी पॉइंट्स बन सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही है, और भी पॉइंट्स बन सकते हैं। तो अब आ गया, ये आ गया ना, अब नेक्स्ट है सेकंड ग्रुप में, सेकंड ग्रुप में बेरिलियम की एनोमलस बिहेवियर, बेरिलियम का एनोमलस बिहेवियर और बेरिलियम की एल्यूमिनियम के साथ डायगोनल रिलेशनशिप, ये तुम्हें आना चाहिए, बेरिलियम का एनोमलस बिहेवियर और इसका डायगोनल रिलेशनशिप विद, किसी को पता है कि नहीं, कौन बोलेगा ये, कौन बोलेगा पॉइंट्स इनके। हाँ हिमांग, तो देन एनोमलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम आर दैट बेरिलियम इज हार्ड वेयर एज द अदर्स आर सॉफ्ट, इट हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, देन It has a maximum coordination number of 4, whereas the others have 6 because they have vacant d orbitals and beryllium doesn't. Then beryllium compounds are also amphoteric. बिल्कुल सही है, perfect. Beryllium के भी और aluminium के भी amphoteric होते हैं. बिल्कुल सही है. अब देखो जरा इसके तीन चार points ही हैं, ध्यान से सुनेंगे. देखो पहला point क्या है? First point क्या है? Beryllium जो है हार्ड होता है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, एमपीबीपी इसका हाई होता है। और दूसरा पॉइंट इसका, बेरिलियम जो है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 तक जाता है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो 4 तक जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब कितने इसके साथ लीगेंड्स आ सकते हैं, कितने इसके साथ कोऑर्डिनेटेड एटम्स आ सकते हैं, तो उसका मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर जो है 4 तक जाता है, मैक्सिमम इसका 4 तक। BCl2 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना, तो इसमें भी देखोगे तुम मैक्सिमम 4 तक जाएगा इस तरीके से, Cl 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 Cl, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है यहाँ से, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसको मिल रहे हैं, तो 4 बॉन्ड्स बन रहे हैं ना इसके, तो ये 4 तक जाएगा इसका मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर, ये यहाँ पे देगा, ये यहाँ से मिलेंगे इसको। ये एक्चुअल में BCl2 का स्ट्रक्चर है सॉलिड फेज में, BCl2 का स्ट्रक्चर है सॉलिड फेज में, जिसमें बेरिलियम की हाइब्रिडेशन पूछी है नीट के पेपर में, तो वो sp3 होती है, sp3 हाइब्रिडेशन होती है इसके अंदर, तो ये तुम्हें ध्यान रखना है इसके अंदर। इसका मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर कितना जाएगा, 4 तक जाएगा, इसका मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 तक जाएगा, बाकियों का 6 तक भी जा सकता है, बाकियों का 6 तक जा सकता है, क्योंकि इनके पास खाली जगह होती है, वेकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं। तीसरा पॉइंट है बेरिलियम जो है इसके कंपाउंड्स होते हैं एम्फोटेरिक, बेरिलियम बाकी सबके बेसिक होते हैं, इसके ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स क्या होते हैं एम्फोटेरिक, बीईओ बीईओ शोल्ट वाइज, ये क्या है एम्फोटेरिक, ये क्या है एम्फोटेरिक।
तो ये पॉइंट्स में बोलने हैं, ये एनोमलस बिहेवियर के पॉइंट्स हो गए यानी एक्सेप्शनल बिहेवियर के, और सेम इन्हीं को रिलेट करा देंगे किससे, डायगोनल रिलेशनशिप में, डायगोनल रिलेशनशिप में इसको रिलेट करा देंगे। कैसे देखो, डायगोनल रिलेशनशिप के अंदर पहला पॉइंट तो ये सबसे इंपॉर्टेंट, बेरिलियम और एल्यूमिनियम की बात करेंगे इधर, बेरिलियम और एल्यूमिनियम की। बेरिलियम के ऊपर भी ऑक्साइड लेयर बनती है, बेरिलियम के ऊपर भी ऑक्साइड लेयर बनती है और एल्यूमिनियम के ऊपर भी, बेरिलियम के ऊपर ऑक्साइड लेयर बनती है, एल्यूमिनियम के ऊपर भी। इसलिए इनकी रिएक्शन जो होती है ना एयर के साथ या वाटर के साथ बेरिलियम की, वो होती नहीं है नॉर्मली, पाउडर फॉर्म में लेके आ जाएंगे ना, सरफेस एरिया बढ़ जाता है उससे थोड़ा, तभी ये रिएक्ट करते हैं, अदरवाइज रिएक्ट नहीं करते। तो पहला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनके पास, इन दोनों के पास प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर होती है ना, दोनों के पास क्या होती है, प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर। ये 9th में पढ़ते भी है, दे आर नॉट अटैक्ड बाय एसिड बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर ऑन देयर सरफेस। तो ये तुम्हें ध्यान रखना इसके अंदर। फिर दोनों के जो कंपाउंड्स हैं हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक हैं, चाहे तुम बीईओ की बात करो और बीईओ छुलट्राइज की, या Al2O3 की या AlO छुलट्राइज की, ये क्या है, एम्फोटेरिक है, ये क्या है, एम्फोटेरिक। और दोनों के दोनों क्या बनाएंगे, दोनों के दोनों NaOH के साथ, एक्सेस ऑफ NaOH के साथ, बीईओ छुलट्राइज NaOH डाल दिया तो बेरिलेट आयन बनाएंगे, क्लियर, बेरिलेट आयन BeOH4 2-, या Na2BeOH4, Na2BeOH4, AlOH छुलट्राइज जो है NaOH के साथ, Na3AlOH6 भी बनाता है, या NaAlOH4 भी बनाता है, NaAlOH4, जिसको हम NaAlO2 भी लिखते हैं, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। तो दोनों के दोनों, जैसे सोडियम बेरिलेट बन गया, यहाँ पे क्या बन गया, सोडियम बेरिलेट, यहाँ पे सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट भी कह सकते हैं, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट या AlOH4-। तो दोनों के दोनों NaOH के साथ बेरिलेट और एल्यूमिनेट आयंस बनाते हैं, सिमिलर आयंस। फिर दोनों के जो क्लोराइड्स होते हैं वो ब्रिज फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं, बेरिलियम का भी, जैसे बेरिलियम का डाइमर बनता है इस तरीके से, BeCl, भी ये मैंने तुम्हें ब्रिज बॉन्डिंग में सिखाया भी हुआ है, BeCl इस तरह से। और ये एक ऐसा कंपाउंड था जिसके अंदर बैक बॉन्डिंग ब्रिज बॉन्डिंग दोनों होती है। क्वेश्चन पूछा हुआ नीट के अंदर कि बेरिलियम जब डायमर बनाएगा तो इसकी हाइब्रिडेशन क्या होगी, बेरिलियम की, बेरिलियम क्लोराइड डायमर बनाएगा तो हाइब्रिडेशन इसकी sp2 होगी, क्योंकि इसके 3 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, सही ना। BeCl2 में तो बेरिलियम की हाइब्रिडेशन sp होती है, लेकिन इसके अंदर हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगी, sp2। तो ये दोनों ये बन गया, और ऐसे ही डायमर बनता है किसका, AlCl3 का, जिसमें एल्यूमिनियम की हाइड्रेशन sp3 हो जाएगी, ये आएगा ClCl, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसको, ये इसको दे रहा है। तो ये दोनों के डायमर बनते हैं, दोनों के जो क्लोराइड्स होते हैं, दोनों के क्लोराइड्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं, सो दे आर यूज इन फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। सबने रिएक्शन पढ़ी हुई है फ्रीडल का एल्काइलेशन रिएक्शन, उसमें एनहाइड्रस AlCl3 यूज करते हैं, उधर हम एनहाइड्रस BeCl2 भी यूज कर सकते हैं, सही ना, एनहाइड्रस BeCl2 भी यूज कर सकते हैं। और दोनों के जो कार्बाइड्स होते हैं ना, दोनों के कार्बाइड्स, चाहे Be2C कह लो या Al4C3 कह लो, दोनों के कार्बाइड्स जो है मिथेन देंगे अपॉन हाइड्रोलिसिस, सही ना। और दोनों के टेंडेंसी होती है Be की भी और Al की भी टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, जैसे कॉम्प्लेक्सेस में बन जाएगा, मैं 7th पॉइंट ऊपर लिख रहा हूँ, दोनों की टेंडेंसी होती है कॉम्प्लेक्सेस बनाने की, जैसे ये बना देगा कॉम्प्लेक्स BeF4 2-, और वो बनाएगा AlF6, क्वाड्रेंट नंबर 6 तक जाएगा इसका, AlF6 3-। तो दोनों की टेंडेंसी होती है कॉम्प्लेक्स बनाने की, कॉम्प्लेक्स आयंस दोनों बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बता दिया एनमलस बिहेवियर ऑफ लिथियम, डायगोनल रिलेशनशिप ऑफ लिथियम विद मैग्नीशियम, एनमलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम, डायगोनल रिलेशनशिप ऑफ बेरिलियम विद एल्यूमिनियम। ये पढ़ना है पूरा ढंग से, इनके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आते हैं काफी, और एनसीईआरटी का तो कोई पॉइंट छोड़ना नहीं इसके, सही ना, दोनों के क्वेश्चंस करने हैं। तो ये यहाँ पे खत्म हो गए यहाँ पे, सही ना। अब इसके आगे हमें करना है इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, नहीं ना, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज। ये यहाँ पे डायगोनल रिलेशनशिप वगैरह खत्म हो गया, अब केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी होंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों की, सही ना, केमिकल प्रॉपर्टीज मैं बात करूं, अगर देखो इसके अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज में ना ज्यादातर कैसे करना है स्टडी, कि ऐसे याद रख लो, वाटर के साथ पढ़नी है ना, वाटर के साथ पढ़नी है, तो वाटर में एच आ रहा है तो हाइड्रोजन के साथ पढ़ेंगे, ओ आ रहा है तो ऑक्सीजन के साथ पढ़ेंगे,
ऑक्सीजन यानी एयर के साथ पढ़ेंगे, H2O के साथ तो पढ़ना ही पढ़ना है, और H से एक और बना देना हैलोजन के साथ, ये चार पढ़नी है हमें। चार पढ़नी है क्या? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स ये पढ़ना है। उसके बाद कंपाउंड्स ऑफ सोडियम, कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम, और फिर एक सीमेंट का टॉपिक है। ये चैप्टर के अंदर है बस, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है ये, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट, जो भी है क्वेश्चन काफी आते हैं इसके। तो अब केमिकल प्रॉपर्टीज नोट करनी है इसकी, मैंने तुम्हें बताया H2O याद रख लो केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए। H2O, H2O में H आया तो हाइड्रोजन आ गया, हेलोजन आ गया H से, ऑक्सीजन आई गया यानी एयर आ गया, और H2O खुद आ गया। तो ये पढ़ना है केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर, है ना। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में पहले बात करूंगा मैं रिएक्शन विद एयर, रिएक्शन विद एयर, रिएक्शन विद एयर, ठीक है। रिएक्शन विद एयर में अब सबसे पहले तो अल्कली मेटल्स, तो सबको पता है कि बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। अल्कली मेटल्स बहुत रिएक्टिव है, दे इमीडिएटली फॉर्म ऑक्साइड्स विद एयर, सो दे आर केप्ट अंडर केरोसिन ऑयल। पहला क्वेश्चन ये है कि ये क्वेश्चन स्कूल में पूछते हैं ऐसे क्वेश्चन, व्हाई अल्कली मेटल्स आर केप्ट अंडर केरोसिन ऑयल। तो केरोसिन ऑयल में इसको क्यों रखते हैं? क्योंकि ये बहुत रिएक्टिव होते हैं, इमीडिएटली क्या बना लेंगे? ऑक्साइड। ये एग्जिस्ट ऑक्साइड्स की फॉर्म में करते हैं, जैसे सोडियम है तो Na2O, लिथियम है तो Li2O, पोटेशियम है तो K2O या KO2, इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो ये ऑक्साइड्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, दे इमीडिएटली फॉर्म ऑक्साइड्स विद एयर, सो दे आर केप्ट अंडर केरोसिन ऑयल, सो दे आर केप्ट अंडर केरोसिन ऑयल। तो क्यों रखते हैं? क्योंकि दे इमीडिएटली फॉर्म ऑक्साइड्स विद एयर। और दूसरा, लिथियम को नहीं रखते इसके अंदर, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिथियम क्यों नहीं रखते? क्योंकि लिथियम क्या है, बहुत लाइट होता है, इसकी डेंसिटी 1 से कम होती है, डेंसिटी 1 से कम है, और ये फ्लोट करता है केरोसिन ऑयल के ऊपर। तो केरोसिन ऑयल के ऊपर फ्लोट कर रहा है तो फिर रिएक्ट कर सकता है, तो ये रिएक्ट कर सकता है एयर के साथ, इसलिए लिथियम को हम रखते हैं पैराफिन वैक्स के अंदर। लिथियम इज रैप्ड अंडर पैराफिन वैक्स, इसको रैप करके रखते हैं पैराफिन के अंदर, ताकि ये रिएक्ट ना करें और ऑक्साइड ना बना दे, सही ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव्स के लिए, सही। तो ये और स्कूल में भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन को। अब दूसरा, लिथियम जो है अगर रिएक्ट करेगा एयर के साथ, लिथियम अगर एयर के साथ रिएक्ट करेगा, एयर की बात कर रहा हूँ तो मैं O2 प्लस N2 की बात कर रहा हूँ, O2 प्लस N2 की, तो ये बनाएगा Li2O और Li3N, बाकी कोई नाइट्राइड नहीं बनाएगा, लिथियम बनाएगा Li2O भी Li3N, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो है, मैं लिथियम को O2 से रिएक्ट कराया तो Li2 बनेगा, ठीक है ना, Li2 बन जाएगा लिथियम को रिएक्ट कराया तो। और अगर मैं इसको रिएक्ट कराता हूँ सोडियम को रिएक्ट कराया तो ये बनाता है मेनली Na2O2, हाँ, सोडियम अगर एक्सेस में हो गया दोबारा रिएक्ट करके तो Na2O बना देगा, तो Na2O बना देगा, अदरवाइज Na2O2 बनता है। लिथियम मोनोऑक्साइड बनाता है, सोडियम परऑक्साइड बनाता है, एक्सेस में सोडियम है तो Na2O बन सकता है। और पोटेशियम, रूबीडियम, सीजियम, ये तीन अगर O2 से रिएक्ट करेंगे तो ये बनाते हैं KO2, RbO2 और CsO2, इन्हें कहते हैं सुपर ऑक्साइड, इन्हें कहते हैं सुपर ऑक्साइड्स, जो कि येलो या ऑरेंज कलर के होते हैं, येलो या ऑरेंज कलर के होते हैं सुपर ऑक्साइड्स, और पैरामैग्नेटिक होते हैं। इसका क्वेश्चन IIT में 2-3 बार आ चुका है कि ऑप्शन दे देंगे Li2O, Na2O2 और KO2, विच इज पैरामैग्नेटिक, तो KO2 ये पैरामैग्नेटिक होता है, क्यों? क्योंकि K प्लस है और O2 माइनस है, O2 माइनस का मतलब क्या है? 17 इलेक्ट्रॉन, 17 इलेक्ट्रॉन मतलब MOT से चेक कर सकते हो कि ये क्या आएगा, पैरामैग्नेटिक, इट विल बी हैविंग 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन पाइशर एंटीबॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसलिए क्या होगा ये पैरामैग्नेटिक, O2 माइनस सुपर ऑक्साइड है, सही ना, ये पैरामैग्नेटिक होगा। तो अब पहला क्वेश्चन तो यहाँ पे यही आ गया कि लिथियम मोनोऑक्साइड क्यों बना रहा है, सोडियम परऑक्साइड क्यों बना रहा है, और रेस्ट ऑफ द अल्कली मेटल्स दे आर फॉर्मिंग सुपर ऑक्साइड। तो एक सिंपल सा रूल है, लार्जर कैटायन सिविलाइजेस लार्जर एनायन। जितना बड़ा कैटायन होगा वो एनायन को, बड़े एनायन को संभाल सकता है। जैसे अगर अकेला एटम है, ध्यान देना थर्मल स्टेबिलिटी का रूल है ये, अगर अकेला एनायन है, मतलब एक ही एटम है एनायन के अंदर, तो जितना छोटा कैटायन होगा उतना स्टेबल, जितना छोटा कैटायन, अगर उसके अंदर एक से ज्यादा एटम आ गए, जैसे O2 माइनस, जैसे CO3 2 माइनस, जैसे PO4 3 माइनस, एक से ज्यादा अगर एटम आ गए एनायन के अंदर, तो कैटायन बड़ा होना चाहिए, बस ये रूल याद रखना, सारे क्वेश्चन कर जाएंगे इससे। जैसे मैंने बोला, ध्यान देना क्वेश्चन में, Li2O, Na2O, K2O, इनको अरेंज करना है स्टेबिलिटी ऑर्डर में, Li2O, Na2O, K2O, LiH, NaH, K
KH स्टेबिलिटी ऑर्डर मैनेज करना है। फिर इसके बाद आ गया हमारा Li2CO3 K2CO Na2CO3 K2CO3 स्टेबिलिटी ऑर्डर मैनेज करना है। फिर ले लिया मैंने KO2 RbO2 CSO2 स्टेबिलिटी ऑर्डर मैनेज करना। ये करो जो चार क्वेश्चन जल्दी से करो, अरेंज करना है स्टेबिलिटी ऑर्डर में थर्मल से। हाँ कर लिया सबने, कौन देगा आंसर इसका? हिमांग आंसर बोल दे जल्दी से। सर K2CO3 Na2CO3 Li2CO3। हाँ बिल्कुल सही है सर। देन LiH NaH KH KH Li ज्यादा। हाँ so then CSO2 RbO2 KO2। हाँ सही है हेमंत, सही है। और इधर Li2O Na2O K2 सही ना, यही कंसेप्ट लगाना है इसको। तो अभी यहां तक ही करेंगे, नेक्स्ट टाइम आगे कराऊंगा एक एक लेक्चर लेके, लेकिन रट देना पूरा ढंग से मन में बोलना इसको, यहां तक करना है अभी तुम्हें, नेक्स्ट टाइम आगे करेंगे।